नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुक्रिया। चर्चा, सुभाषिनी जी हमारी मेहमान है आज के लिए। सुभाषिनी जी अरसे से महिलाओं के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। वो सीपीएम की सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और आज हमारी चर्चा का विषय बहुत जरूरी है, बहुत अहम चर्चा है ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक लड़कियों के आवास में जो जिसका संचालन स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसमें 57 लड़कियों को कोविड-19 मिला है। तो ये मामला और उत्तर प्रदेश में होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो हैरान और चौंका देने वाली हैं, उनके बारे में सुभाषिनी जी हमें बताएंगी। सुभाषिनी जी, इस शेल्टर होम के बारे में पहले बताएं कि ये सारा मामला सामने कैसे आया। देखिए, ये जो शेल्टर होम है, ये इसमें दो विंग्स हैं। एक बालिग लड़कियों और औरतों के लिए है और एक नाबालिग के लिए। तो इसमें आसपास के जिलों से तमाम वो बच्चियां आती हैं जो पॉक्सो केसेस हैं, मतलब जो नाबालिग होने के, मतलब अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न या यौन संबंध हुए हैं। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो विक्षिप्त मानसिकता की हैं, मेंटली चैलेंज्ड भी हैं, और ये सब एक साथ वहां रखी जाती हैं जो नाबालिग लड़कियों के लिए शेल्टर होम बना है सरकार का। इनको यहाँ पर संवासिनी कहते हैं, शेल्टर होम की इनमेट्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शेल्टर होम है, इसमें पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं। और जब मैं एमपी थी या फिर उसके बाद विमेंस कमीशन की मेंबर थी, तो मैंने वहाँ इंस्पेक्शन भी किया और कई वहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई, लेकिन आज भी वो गड़बड़ियाँ दूर नहीं हुई हैं। और अभी जो मामला सामने आया है, निश्चित रूप से बद इंतजामी का नतीजा है। पहली बात तो ये है कि इस नाबालिग बच्चियों के होम में जगह है 50 बच्चियों के लिए, कुल 9 टॉयलेट्स हैं, लेकिन 200 से ज्यादा इसमें बच्चियां और छोटे छोटे शिशु हैं, छोटे शिशु। और इनमें ऐसी भी तमाम लड़कियां हैं, या अब वो शायद बड़ी भी हो गई हो, बालिग भी हो गई हो, जो दिमागी तौर पर विक्षिप्त हैं। ये सब एक साथ वहां रखी जाती हैं और कुल 9 टॉयलेट्स हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वैसे भी, मतलब सामान्य समय में भी यहाँ क्या अवस्था होगी। अभी जब से ये कोरोना की महामारी फैली है, तो वहां के बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन एकदम से कुछ दिन पहले एक चौंकाने वाली खबर आई कि इस बालिका आश्रय गृह में कई लड़कियां कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। बस यही खबर आई थी करीब 5 दिन पहले। और फिर 21 तारीख की सुबह ये खबर आई एक अखबार में, छोटी सी खबर, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं थी, छोटी सी खबर आई के लड़कियों की संख्या है काफी, संख्या नहीं थी, और इनमें से दो लड़कियां गर्भवती हैं और ये एचआईवी पॉजिटिव और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव भी पाई गई हैं। तो इस खबर को पढ़ते ही बहुत परेशानी हुई, और हमारी जो कानपुर जिले की अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष है नीलम तिवारी, उनके साथ लेकर के हम लोग एसएसपी के पास गए, और वो अभी हाल में ही आए हैं। उनसे बातचीत जब हुई तो उनको पता भी नहीं था इस मामले के बारे में। उन्होंने बहुत हमारा धन्यवाद भी दिया और वो काफी परेशान हुए, और हमने उनसे कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, उन लड़कियों का बयान होना चाहिए कि ये सब आखिर कैसे हुआ। तो उन्होंने एक जांच एक जो महिला एसपी है उसको दे दी और कहा कि वो जांच करेंगे। जी इसके बाद प्रेस से भी हम लोगों ने बातचीत की, प्रेस नोट भी दिया, तो प्रेस ने भी फिर इस कहानी में बहुत दिलचस्पी देना शुरू कर दिया, और उन्होंने प्रशासन के लोगों को, डीएम है, कमिश्नर है, उनको घेरना शुरू किया। और आप सोचिए, जहां सुबह ये बात थी कि दो लड़कियां गर्भवती हैं, शाम तक जो कोविड पॉजिटिव थी उनकी संख्या 57 तक पहुंच गई और गर्भवती लड़कियों की 7 तक पहुंच गई, जिनमें से 5 कोविड पॉजिटिव थी, और उन 5 में से वो 2 थी जो एचआईवी और कहा जाता है कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। और ये हम लोगों को बताया गया कि उनकी ये बीमारियां उस हॉस्पिटल में ही मतलब मालूम की गई जहां पर वो कोरोना टेस्ट के लिए गई थी। मतलब जब वो गई थी
तो ये उनको सूचना नहीं दी गई थी कि ये HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। तो जब रात तक हम लोगों को ये सारी खबरें मिली, तो फिर 22 तारीख की सुबह हम लोग जो हमारे डिवीजन के कमिश्नर हैं, जनवादी महिला समिति की सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और मैं, हम लोग उनके पास गए और हमने उनसे 3-4 बातें की। पहले तो हमने कहा कि यहाँ का जो प्रबंध तंत्र है उसने बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है, उनका व्यवहार बहुत सही नहीं है, उनको हटाया जाना चाहिए और इन बच्चियों के बारे में सारी जानकारी ली जानी चाहिए। क्योंकि जो फिर स्टेटमेंट्स आने लगे, मतलब जो लोग चलाते हैं उस आश्रय गृह को और जो प्रोबेशन ऑफिसर है, उनके स्टेटमेंट्स आने लगे। और हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, कि जो ये प्रेग्नेंट लड़कियां हैं साथ, ये मतलब ऑलरेडी जब आई थी इस आश्रय गृह में तो उस समय ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उस समय वो प्रेग्नेंट थी, मतलब इनकी प्रेगनेंसी इस आश्रय गृह में आने के बाद से नहीं है। और उन्होंने वो जिले भी बताए हैं जहां जहां से वो आई हैं। तो हमने कमिश्नर साहब से 2-3 बातें कही। हमने कहा देखिए, ये हम डिस्प्यूट नहीं कर रहे, हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन निश्चित रूप से उन लड़कियों से ये जांच की जानी चाहिए कि उनका यहाँ आने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। क्या उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो कानूनी तौर पर अबॉर्शन के लिए ऑप्ट कर सकती हैं, मतलब गर्भपात के लिए ऑप्ट कर सकती हैं, क्या ये ऑप्शन उनको दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जिस तरह की मतलब गंदगी है और जिस तरह की अव्यवस्था है, तो ऐसी बीमारी का तो फैलना वहां पर बिल्कुल निश्चित था। तो इस बीमारी का आखिर पता कैसे चला? क्या वहां के प्रबंधकों ने, मतलब कोविड की मैं बात कर रही हूँ, क्या प्रबंधकों ने कोई शिकायत की कि बच्चियां बीमार हैं? तो उन्होंने कोई हमको स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हम लोग इसकी तह में बिल्कुल जाएंगे। अब ये है 22 तारीख की बात। अब उसके बाद से और भी कुछ बातें पता चली हैं। वो क्या है कि 15 तारीख को, मतलब ये मुझे लगता है जो आशा बहनें डोर टू डोर जा रही हैं और पता कर रही हैं, तो शायद उनके माध्यम से उस आश्रय गृह की 5 लड़कियों की रैंडम चेकिंग हुई थी और वो रिजल्ट, और मतलब उनके प्रबंधकों ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी कि यहाँ पर चेकिंग होनी चाहिए या कोई खांस रहा है या किसी को बुखार है, ये रैंडम चेकिंग हुई। और 5 लोगों की रैंडम चेकिंग में एक लड़की रात को मतलब उसकी उसका सैंपल ले लिया गया, उसकी रात को पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन वहां पर न सीलिंग की गई न सबकी क्वारंटीन की गई, वो हटा दी गई और फिर बाकी बच्चियों की भी स्वाब टेस्ट लिया गया। तो आप सोचिए कि 3 दिन तक ये लड़कियां सब वहीं रहीं, जिनमें से बाद में कुल 57 पॉजिटिव निकली। तो हो सकता है अगर 15 को ही उन लोगों को वहां से अलग कर दिया जाता, क्वारंटीन में भेज दिया जाता, तो हो सकता है ये 57 लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव नहीं होती। और जो ताज्जुब की बात है कि अलग अलग बयान आ रहे हैं, एक तो ये हमने पता लगाया ये रैंडम टेस्टिंग वाली बात, और DM ने भी कुछ हमको हिंट दी थी कि रैंडम टेस्टिंग में ही पता चला, और वहां से ये कहा जा रहा कि नहीं, हम लोगों ने लड़कियों को अस्पताल भेजा और वो जो सिक्योरिटी गार्ड गई थी साथ में वो पॉजिटिव थी, उससे ये हुआ। मतलब ये गोलमोल बातें हो रही हैं चीजों को दबाने के लिए। बहरहाल सच बात तो ये है कि एक लड़की 5 में पाई गई, वो हटाए नहीं गए वहां से, और उसके 2 दिन के बाद जब और टेस्टिंग के रिजल्ट्स आए तो कुल 57 लड़कियां पॉजिटिव हुई, और वो बाकी सारी जो करीब 150 लड़कियां हैं उनको एक क्वारंटीन सेंटर में रख दिया गया है और ये सब लड़कियां अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में हैं। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि एक तो इनका स्वास्थ्य लाभ बहुत ठीक तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और फिर ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर ये प्रेग्नेंट है तो क्या इनका मंथली चेकअप होता था कि नहीं होता था, और अगर होता था तो ये HIV पॉजिटिव और ये हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव क्यों नहीं निकल करके आया किसी जांच में, और ये अभी आकर के कोरोना की जांच में निकला है, तो इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि ये तमाम प्रेग्नेंट लड़कियां यहाँ आती हैं इस संरक्षण गृह में और उनके मतलब स्वास्थ्य की
परवाह नहीं की जाती है, उनकी चेकिंग नहीं होती है, उनका रेगुलर चेकअप नहीं होता, ये बात तो किसी से जाहिर हो रही है जो वहां से पता चल रहा है। लेकिन अब इससे भी एक ज्यादा मैं दर्दनाक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चियां वहाँ क्वारंटीन सेंटर में हैं, तो वहां पर हमारे भी कुछ मजदूर परिवार के लोग क्वारंटीन सेंटर में उसी समय थे, और उन्होंने बताया कि वहां तो जो उन बच्चियों की हालत है उनको देख के लोग रो रहे हैं। वो क्या हालत है कि 12-12, 13-13 साल की बच्चियां हैं और वो लगती हैं कुपोषण की शिकार, और जो विकसित मानसिकता की बच्चियां हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं और वो अपने बच्चों को संभालना जानती भी नहीं है और ना वो संभाल सकती हैं, उन छोटे छोटे शिशुओं को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उनकी देखभाल वो 12 साल की और 13 साल की लड़कियां कर रही हैं। तो एक और भी बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो 7 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं जो मानसिक तौर पर मतलब ठीक है, स्वस्थ हैं, आप लोग अब वो लोग कह रहे हैं जो प्रबंध चलाते हैं कि वो लड़कों के साथ भागी थी लेकिन माइनर थी इसलिए पॉक्सो में रेप केस निकला, लगाया गया, तो वो यहाँ लाई गई। अब वो कह रही है कि नहीं, वो उन्हीं लड़कों के साथ रहना चाहती है, जो भी है, ये वर्जन आ रहा है वहां का मतलब जो प्रबंधन है। तो वो बात मैं नहीं कहती हूँ सही है कि गलत, और ये भी कहा जा रहा है, हालांकि एक जो वहां काम करती है वो तो कह रही है कि हम लोग को तो पता भी नहीं था कि ये अबॉर्शन का ऑप्शन होता है, तो प्रोबेशन ऑफिसर क्या कर रहा था। दूसरी बाकी लोग कह रहे हैं नहीं, वो तो उनका तो प्रेम प्रसंग माला मामला था इसलिए वो अबॉर्शन नहीं चाहती थी और उनके साथ रहना चाहती है। खैर ये जांच में बात निकलेगी, लेकिन जो विक्षिप्त मानसिकता की लड़कियां हैं उनका अबॉर्शन क्यों नहीं किया गया? उनका अबॉर्शन तो मतलब 100% होना चाहिए था, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने उन बच्चों के शिशुओं के पालन पोषण के लिए मतलब वो असमर्थ है, वो उनका पालन पोषण कर ही नहीं सकती हैं। और हमको वहाँ के लोग बता रहे हैं अब कि वो एक तरह से नफरत करती हैं। खैर उनके अंदर कुछ कुछ यादें होंगी कि वो कैसी गर्भवती बनी, शायद बलात्कार हुआ, हिंसा हुई, और फिर इस बच्चे को उन्होंने गर्भ में रखा, काफी तकलीफ उठाई, फिर उसके जन्म दिया, शायद और भी पीड़ा उन्होंने उठाई। तो जो भी कारण हो, लेकिन वो जैसा कि वो लोग बता रहे खुद कि वो बिल्कुल भी अपने उन शिशुओं को छूना नहीं चाहती हैं, एक तरह से नफरत करती हैं, और ये दूसरी बच्चियां उनकी देखभाल कर रही। तो मेरा ये पूछना है कि आखिर ये चल क्या रहा है पूरी दुनिया में जो रेप विक्टिम्स हैं, और खास तौर से अगर वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, उनको निश्चित तौर पर अबॉर्शन का ऑप्शन दिया जाता है, उनका अबॉर्शन किया जाता है, आखिर उन शिशुओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, उन बच्चों का पालन पोषण आखिर कौन करेगा? इसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि आज ही ये खबर आई है कि एक तो चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है उसने भी इसमें कुछ हस्तक्षेप किया है, लेकिन जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अखिल भारतीय मानव अधिकार आयोग, उसने भी इसमें हस्तक्षेप करके जो हमारे उत्तर प्रदेश के मतलब DGP हैं पुलिस के और जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रशासन के, उनको दोनों को नोटिस दिया है कि आप 4 हफ्ते में किसी स्वतंत्र एजेंसी संस्था द्वारा पूरी जांच करवा करके आप 4 हफ्तों में इसकी पूरी की पूरी जांच हमें दीजिए, इसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। तो अब हम लोग भी तय कर रहे हैं कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से हम लोग भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपना ज्ञापन भी देंगे और कहेंगे कि इस जांच में अगर आप हमको भी शामिल करते हैं तो हम लोग मतलब चाहेंगे कि ऐसा आप करें, और इसमें हम आपका पूरा सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस मामले की जड़ में हमको पहुंचना होगा। क्योंकि इस तरह के शेल्टर होम्स में आपको मालूम है बिहार में मतलब भयानक मुजफ्फरपुर में केस निकला, इसके अलावा मतलब और भी जगहों पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी केसेस निकले हैं, तो बार बार ये होना नहीं चाहिए, और राज्य सरकार को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। वो जो जगह इतनी छोटी है उसको उसका विस्तार किया जाना चाहिए,
जो लड़कियों को इतने मतलब कम बाथरूम्स के साथ वहाँ रखा जा रहा है, क्या उनको खाने में दिया जा रहा है, जो एक निगरानी कमेटी बनती है उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी रखा जाए जो मतलब जिनका रिकॉर्ड है समाज सेवा का, महिला आंदोलन के साथ जुड़े रहने का, ये हमारी मांग है। और मैं तो समझती हूँ कि ये एक ऐसी घटना है जिससे हम लोग सबको परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये सब नाबालिग बच्चियां हैं, इनमें 16-17 साल की हैं। हो सकता है वो अपने आप को समझती हो कि वो बहुत समझदार है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह से उनका कोविड पॉजिटिव होना, इनके साथ मतलब गंभीर रोग का जुड़ा होना और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चियों के बच्चे पैदा होना, ये सब बता रहा है कि ये संरक्षण गृह में किस तरह का संरक्षण हो रहा है, सुरक्षा गृह में किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जा रही है, क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े सवाल हैं और निश्चित रूप से महिला आंदोलन के लिए बड़े सवाल हैं। और इनको हम लोगों ने अब ये मामला उठाया है, हम तो समझते हैं कि 4-3 दिन पहले जो हम लोगों ने हस्तक्षेप किया उससे प्रेस भी जागी, प्रशासन भी थोड़ा सा हरकत में आया, पूरे देश में ये खबर गई, नेशनल ह्यूमन राइट्स भी इसमें आया। तो जो लोग कहते हैं कि लोग अरे गड़बड़ करना चाहते हैं, ये सब गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ये एक्टिविस्ट और ये आंदोलनकारी लोग, उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आंदोलनकारी लोग ना हो, अगर एक्टिविज्म ना हो, तो बहुत सी चीजें जो सामने आती हैं वो हमेशा के लिए दबी ही रह जाएंगी। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में जहाँ बहुत कुछ मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इसी सरकार की वजह से, बहुत बड़ा प्रांत है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं जिनके बारे में शायद ही किसी दूसरे प्रांत में हम लोगों को सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल सुभाषिनी जी, आज ही एक फैसला भी आया है लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने टीचर्स की नियुक्ति के मामले को फिर से सामने लाके रख दिया है। और उत्तर प्रदेश में ये भी बच्चों का ही मामला है, पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट स्कूल कॉलेज, ये जो पढ़ाई का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्याओं को पैदा करने वाला ये क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक तो वो स्कूल है जो प्योरली सरकारी स्कूल है, वो सरकार के ही नियंत्रण में चलती हैं और वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलती हैं, शहरी क्षेत्रों में अब करीब करीब वो दिखाई नहीं देती हैं। और फिर उसके अलावा ये प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नियमों के आधार पर टीचर्स और कर्मचारियों को वेतन देती है, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल, ये बहुत मुनाफा कमाने का क्षेत्र है, ये जो प्राइवेटली ओन्ड रिकग्नाइज्ड शिक्षा संस्थान है। और कोई पार्टी का नेता नहीं है, मतलब कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नेता अपने प्राइवेट शिक्षा संस्थान न चलाते हों। और हम नहीं कहते सब गड़बड़ है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि उनसे फिर सवाल जवाब करना, उनसे पूछताछ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी 2 तरह के शिक्षा जगत के भयानक मामले सामने आए हैं। एक तो एक अनामिका शुक्ला नाम की महिला के बारे में पता चला कि वो 25 स्कूलों में अध्यापक है। और ये कैसे पता चला कि एक स्कूल में जब निश्चित रूप से वो आई नहीं रही थी तो वहां पर जांच हुई कि ये है कहाँ, तो पता चला कि ये 25 स्कूलों में इस नाम की महिला, एक महिला शिक्षक बनी हुई है और करीब करीब महीने में कई लाख रुपए का वेतन वो ले रही है। इसके बाद में पता चला कि एक जो वास्तव में अनामिका शुक्ला है उसको तो नौकरी मिली ही नहीं है, उसके साथ ये हुआ कि उसकी नौकरी लगने वाली थी लेकिन वो बीमार पड़ गई, ये कुछ हुआ तो उसने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके कागजात को इस्तेमाल करके ये जो गैंग है जो इस तरह की फ्रॉड कर रहा है, उसने इस्तेमाल करके उसी के कागज के आधार पर एक नाम से 25 जगह पर एक महिला को टीचर नियुक्त करवाया। अब एक तो वो मामला सामने आया अनामिका शुक्ला का, अब वो खत्म हुआ नहीं कि एक दूसरा मामला एक दीप्ति सिंह नाम की महिला का आया है, उसका भी नाम दीप्ति सिंह नहीं है,
उसका भी नाम कुछ और है, लेकिन दीप्ति सिंह के नाम से तीन जगह पर उसकी नियुक्ति हुई है और वो तीन जगह से वेतन ले रही है। तो एक तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, नंबर वन। नंबर दो, अगर एक महिला 25 स्कूलों में टीचर है तो इसका मतलब है वो कहीं नहीं पढ़ाती है जी, तो जो वो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनकी पढ़ाई का क्या होगा, वो क्या पढ़ेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। और ये तो अभी सामने आई है, एक अनामिका शुक्ला पकड़ी गई, उसके बाद ये दीप्ति सिंह पकड़ी गई, पता नहीं कितनी और है। इसका मतलब है कि ये जो सरकारी स्कूलों में ये जो जिसको फर्जीवाड़ा का नाम दिया जा रहा है ये काफी मतलब फैला हुआ है। और निश्चित रूप से जो हमारे रिजल्ट हैं, जिस तरह की शिक्षा को ग्रहण करके हमारे बच्चे वहां से निकल करके आते हैं, उनके जो अज्ञान की स्थिति है वो प्रमाणित करते हैं कि ये जो फ्रॉड है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और दरअसल ज्यादातर स्कूलों में शिक्षा मिल ही नहीं रही है बच्चों को, और उनको उनके गरीब माँ बाप को एक तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पर वो फीस भी देने की स्थिति में नहीं बच्चों को एडमिट कराएं। ये तो एक स्कैम अभी निकला है, फिर दो तीन लोग पकड़े गए हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ टीचर हैं खुद, लेकिन निश्चित रूप से इसमें ऊपर के लोग भी होंगे। क्योंकि आज आप देखिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लगता ये है कि आप फ्रॉड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको आधार कार्ड दिखाना है, आपको पैन कार्ड दिखाना है, दोनों को लिंक करना है। तो ये 25 लोग एक ही नाम से 25 बैंक के खाते भी खुले हुए थे, उनमें कौन सा आधार कार्ड लगा था, कौन सा पैन कार्ड लगा था, कैसे वो खाते खोले गए थे जिनमें हर महीने तनख्वाह आ रही थी। तो ये सरकार जब अपने टीचरों की निगरानी नहीं कर सकती है तो आप सोचिए ये पॉपुलेशन रजिस्टर कैसे बनाएगी, और अगर पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की कोशिश करेगी तो उसमें किस पैमाने पर स्कैम होगा, इसकी तो आप कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो एक तरफ तो इस तरह की भर्ती हो रही है कि मतलब 25 स्कूलों में एक ही नाम से एक महिला टीचर है, निश्चित रूप से किसी को पढ़ा नहीं रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो शिक्षा जगत है हमारे उत्तर प्रदेश का, और भी भयानक चीजें सामने आ रही हैं। अभी 2018 में 69,000 जगहों के लिए जो सहायक टीचर हैं वो एक एग्जाम होना था, घोषणा हुई, 19 में वो इम्तिहान हुआ और उस वक्त ये पता चला कि पेपर आउट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो पेपर दिया गया, एग्जाम में लोग बैठे और उसका रिजल्ट भी आया। जब रिजल्ट आया तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी इसमें त्रुटियां निकाली और बहुत सारी खामियां थी, कोर्ट में लोग गए और कोर्ट ने पहले तो इसको स्टे कर दिया, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ वो स्टे हटा दिया गया। लेकिन हमको समझना चाहिए कि क्या है वो त्रुटियां। 69,000 का मतलब है ये बहुत बड़ी संख्या है, ये उत्तर प्रदेश के हजारों स्कूलों का मामला है, हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है। अब इसमें जो जांच थी, क्योंकि कुछ FIR भी हुए थे, तो प्रयागराज के SSP पंकज जी वो जांच कर रहे थे, तो उन्होंने जो एक टॉपर लड़का था धर्मेंद्र उसको बुलाया, उसको 150 में से 142 नंबर मिले थे, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब था। तो पंकज जी ने उनसे सवाल पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वो जवाब नहीं दे पाया, और भी जो प्रश्न पूछे कोई जवाब नहीं दे पाया। तो दो तीन तो टॉपर अरेस्ट हो गए हैं। और फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई कि पंकज जी को भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, SSP प्रयागराज के पद से उनको एक हफ्ता पहले ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो बेचारे कोविड पॉजिटिव भी पाए गए, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह की खामियां निकली हैं वो ये है कि जैसे कि जो एक महिला है जिसका सरनेम तिवारी है, उसको एक आरक्षित कोटे में अपॉइंट किया गया है, और जो आरक्षित कोटे के मतलब जिनको मिलना चाहिए उसका लाभ, लाभान्वित होना चाहिए, उनमें से बहुतों को उस लाभ से वंचित रखा गया है। तो ये एक सिर्फ एक बड़ी बात यह है कि इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के मालिक को भी इसमें पकड़ा गया है, और इसमें बहुत से लोग होंगे क्योंकि
शिक्षा का जो क्षेत्र है ये नेताओं का क्षेत्र बन गया है। हर पार्टी के नेता अपने शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से सारी सैलरीज मिलती है, वेतन मिलता है कर्मचारियों का भी सबका भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी सरकार की तरफ से मिलते हैं। तो उस सब में बहुत घपलेबाजी होती है और ये इस सरकार में नहीं पहले से ही हो रहा है, लेकिन ये सरकार तो बहुत दावा करती है कि ये शिक्षा क्षेत्र को की सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा घोटाला तो इसी सरकार में पाया गया। इससे कई बातें सामने आती हैं। एक तो जो अयोग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ अयोग्यता के बारे में जो चर्चा होती है, डिबेट होती है, वो आरक्षण को लेकर के होती है जी, जो आरक्षण होते हैं कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो योग्य नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के माध्यम से पद पाते हैं उनकी योग्यता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। अब ये लड़का जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, ये टॉपर के रूप में एक टीचर बन जाता और उसकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। एक तो ये सवाल है कि इस तरह के लोग आगे जाकर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने वाकई में तैयारी की है, जो होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका जिस तरह से दिल टूट रहा होगा कि वो कुछ भी करें लेकिन अगर वो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, अगर वो रिश्वत नहीं दे सकते हैं, तो उनको टीचर की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये जो बात आ रही है ये तो मतलब इतनी निराशा पैदा कर रही है लोगों के अंदर। और फिर अब आप देखिए ये जो 69,000 है, इनमें कुछ होंगे जो वास्तव में पास हुए हैं, अब सबका भविष्य अधर में लटक गया है। अब उनकी काउंसलिंग शुरू हो रही है लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि हम अपना मामला रिजर्व रखते हैं, हम आगे अपना फैसला सुनाएंगे। तो अब इनका क्या होगा, नौकरी है नहीं, कुछ ने पैसा खर्च करके, कुछ ने अपने घर का सामान बेच करके इस नौकरी को हासिल करने की कोशिश की है, कुछ ने पढ़ाई करके तैयारी करके इसमें मतलब उत्तीर्ण होने का काम किया है, इन सबका भविष्य बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि इनको कैसी पढ़ाई मिल रही है। जो पढ़ाई मिल रही है तो जो तमाम सर्वेज होते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश और दूसरे जो उत्तर भारत के स्टेट्स हैं कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, उनके बच्चे जब पास हो जाते हैं 8वीं से या 10वीं से, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, जब उनके पढ़ाने वाले सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो वो कैसे देंगे। तो ये जो दो क्षेत्र हैं, मतलब एक तो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, एक ये महिलाओं के संरक्षण का क्षेत्र है, एक ये शिक्षा का क्षेत्र है, इनमें इस समय उत्तर प्रदेश की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हम लोग बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि न्याय की लड़ाई चलती रहेगी और ये जो तमाम घोटाले हो रहे हैं, ये जो तमाम मतलब बातें हो रही हैं जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, इनको सुधारने का भी काम जल्द होगा हमारे प्रदेश। शुक्रिया, शुक्रिया शुभाषिनी जी हमसे जुड़ने के लिए, न्यूज क्लिक के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया।